Hello, students, how are you all? Hope so, all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today, we will discuss the acid catalyzed reaction. Let's start. असलम जी दिस इज सात शाहिद एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस किस तरह से एसिड कार्बोनाइल ग्रुप के अलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है एंड विच रिएशन वी हैव टू डिस्कस पहला तो होगा अमोनीय डेरिवेटिव के साथ रिएक्शंस

ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स। सो बेटा स्टार्ट करते हैं एसिड कैटेलाइज रिएक्शन से और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेस कैटेलाइज रिएक्शन एंड वी डिस्कस्ड कि बेटा बेस यूज की जाती थी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन अमिलर वे हम यहां पर यूज करेंगे एसिड को दैट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन अगेन लेकिन एसिड किसकी रिएक्टिविटी को एक्चुअली इंक्रीज करता है बेटा वी हैव दिस कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप में वी हैव दिस कार्बोनाइल कार्बन कार्बोनाइल कार्बन दैट इज कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इज कैरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज सो कार्बन इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बेटा ये क्या है जी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सो बेटा एसिड यूज किया जाता है इन रिएक्शंस में जो एक्चुअली इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को ठीक है यानी कि इट बिकम्स मोर रिएक्टिव जब ये रिएक्टिव ज्यादा हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा सो इट मींस जो एसिड बेस्ड कैटलाइज रिएक्शंस दोनों हमने डिस्कस किए एल के लिए और कीटोन्स के लिए एक्चुअली दे इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन और डिफरेंट वेज में ठीक है जब बेस यूज करते थे बेस न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्ट्रॉन्ग करती थी एंड इन दिस केस एसिड एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ़ इलेक्ट्रोफिलिस कार्बन जो कार्बन ग्रुप का कार्बन होएगा उसकी इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को इंक्रीज कर देती है सो बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एसिड कैटेलाइज रिएक्शन सो ये तो कॉन्सेप्ट था आपका कि एसिड को क्यों यूज किया जाता है सो वी है एस यू कैन सी अमोनिया uh, डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन होता है पॉलीमराइजेशन एल्डिहाइड्स की हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन होएगा सो स्टार्टिंग फ्रॉम द अमोनियम डेरिवेटिव्स बेटा अमोनिया के साथ रिएक्शन अगर होएगा सो so किस तरह से हो सकता है इफ वी हैव अमोनिया ओवर हियर तो अमोनिया को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा एन एच टू H, इस एज को कंसीडर कर लें ग्रुप कि इट इज एनी ग्रुप ये ओ एज के तौर पे यहां पे यूज करवाओ एन एच टू का भी मैकेनिज्म इसी तरह से यूज करेंगे व्हाट वी हैव टू डू बेटा इन दिस प्रोसेस ये एच टू और ओ इट विल एलिमिनेट यहां से ये वाटर की फॉर्मेशन में रिमूव हो जाएगा इट मींस कंडेंसेशन प्रोसेस इज हैपनिंग

इट वुड रिमेन सेम आर यू आर यूजिंग मैथनल सो बेटा एच और एच रहेगा इफ यू आर यूजिंग एथनल एच और आर रहेगा इफ यू आर यूजिंग कीट ऑन सो बेटा दोनों साइड पे आर रहेगा सो ऑन दिस साइड वील गेट द सेम प्रोडक्ट इफ आई एम यूजिंग एथन एल ओवर हेयर सो बेटा वही फॉर्मेशन यहां पे भी रहेगी देर इज नो चेंज ओवर दी साइड ऑफ द कार्बोन कार्बन ठीक है कहां पे चेंजिंग आएगी ओनली ऑन दिस साइड बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल एलिमिनेट इन दम ऑफ वॉटर और ये नाइट्रोजन विल मेक अ डबल बॉन्ड विद कार्बन नाउ दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन बेटा ये डबल बॉन्ड इनके दरम्यान में बन जाएगा एंड Uh, जो इसके साथ ग्रुप अटैच है इट वुड रिमेन सेम ये H वैसे का वैसा ही रहेगा ठीक है आपने जस्ट एलिमिनेट करवा देना है वाटर को और इस रिएक्शन के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसी को याद रखना है एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है इट कैन गिव यू दिस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट दे दिया और आपसे ये कहा जा सकता है ल डी हाइट इज यूज टू प्रिपेयर दिस मॉलिक्यूल तो बेटा यू जस्ट हैव टू लुक ओवर हेयर अगर यहां पर सी एच थ्री है यहां पर एज है सो इट मीन वी यूज एथन एल ऑल राइट सो दिस इज द प्रोसेस और इसके साथ क्या बन जाएगा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा एज टू ओ दैट इज एज टू ओ ऑल राइट बेटा अगर ओ OH एज होता एन एच टू ओ एज होता सो ओ एज यहां पर वैसे का वैसा ही रहना था यहां पे भी ओ OH एज वैसे का वैसा ही रहना था सो देर इज नो चेंज इन दिस प्रोसेस इफ वी हैड हाइड्राजीन इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है दैट इज नेम्ड एज हाइड्राजीन हाइड्राजीन दैट इज जेट फ्यूल टिव होता है वोलाटाइल इन नेचर होता है बट इट इज नॉट हाइड्रोकार्बन क्योंकि इसमें कार्बन नहीं मौजूद सो बेटा एन एच टू एन एच टू दैट इज हाइड्रोजीन हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कैसे होगा है लुक ओवर हियर मैं यहां भी यूज कर रहा हूं प्रॉपर नॉन नाव सी एच थ्री सी सी एच थ्री एंड वी हैव A double bond with the oxygen carbonyl group So now it is reacting with hydrazine, NH2. NH2. This is hydrazine. What we have to remove from this side, this oxygen and this H2. Water will eliminate in this process, or the remaining molecule will join together. CH3 would remain same.

ethanol so have a look over this when ethanol reacts with ethanol is ch3ch double bond o this is ethanol 2-4-dinitrophenyl hydrazine we have hydrazine nh2 एंड एन एच नाइट्रोजन हैज थ्री बॉन्ड्स तो एक बॉन्ड बन जाएगा बेनजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा दिस इज बेनजीन रिंग दिस इज फर्स्ट कार्बन दिस इज योर सेकेंड कार्बन यहां पर लगा लें या यहां पर लगा लें दिज बोथ पोजिशन आर सेकेंड सो टू नाइट्रो ये हो गया दैट इज थर्ड कार्बन दैट इज योर फोर्थ कार्बन फोर नाइट्रो टू फोर डायनाइट्रो दिस ग्रुप इज फिनाइल एंड दिस वन इज हाइड्रोजीन और एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है टू फोर डाय नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन का फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है दैट इज एनदर पास पेपर क्वेश्चन तो बेटा टू फोर डाय नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन शो करवाना है विद दिस एथेनल

this thing would remain same that is n o 2 that is n o 2 so beta that is your product ethyl attached to for dinitrophenyl hydrazine say so this molecule would be named as ethanol 24 for dinitrophenyl hydrazone hydrazine, hydrazine say hydrazone may convert ho jayenge और जो मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है उसी का नेम स्टार्टिंग में आ जाएगा दैट इज एथेनल आई नेम एथेनल टू फोर डाइन नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन सो बेटा ये जो मॉलिक्यूल यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है इसका कलर क्या होएगा दैट इज येलो और रेड येलो और रेड पी पी टी फॉर्मेशन हो जाएगी सो इट मीन्स रिएक्शन हो गया है इफ वी विल ऑब्जर्व दिस कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स आफ्टर दिस रिएक्शन सो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एल डी हाइड या कीटोन जो भी मोलिक्यूल था इट हैज रिएक्टेड विथ टू फॉर डाइनोफीनाइल हाइड्रोसिन सो होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये एम सी क्यू का भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा दैट दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर ए बी सी और डी में जो भी ऑप्शन इस पे फॉल करेगी सो वी हैव टू सेलेक्ट दैट वन ऑल राइट नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पॉलीमराइजेशन बेटा वट इज पॉलीमराइजेशन पॉली पॉलीमी मैनी ऐसा ही है ना तो इट मीन्स मैनी मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टूगेदर एंड दे विल फॉर्म अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल इफ आई एम अटैचिंग थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ मैथनल मैथनल के अगर तीन मॉलिक्यूल्स को अटैच करवाते हैं सो इट मीन इट विल गिव यू ट्राइमर ठीक है एक मॉलिक्यूल होता है मोनमर टू मॉलिक्यूल्स वेन ज्वाइन टूगेदर दे विल फॉर्म डाइमर थ्री मॉलिक्यूल वेन कंबाइन टूगेदर और एक ही मॉलिक्यूल में जो तीन मॉलिक्यूल से बन रहा है दैट वुड बी नेम्ड एस ट्राइमर सो इफ आई आई विल यूज फोर मोलिक्यूल्स ऑफ एल डी हाइट तो बेटा उसका नाम क्या होगा टेट्रामर ठीक है इसी तरह से बहुत सारे मोलिक्यूल्स एन मोलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं दे विल गिव यू दी पॉलीमर ऑल राइट सो इसका मैकेनिज्म बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं uh, क्या प्रोडक्ट बनेगा सो so, बेटा कार्बन ऑक्सीजन ऑल्टरनेट कार्बन और ऑक्सीजन को लिख लें ऑल राइट right, जी बिकॉज आई एम यूजिंग थ्री मॉलिक्यूल्स और तीन मॉलिक्यूल्स में वी हैव थ्री कार्बन थ्री कार्बोनाइल ग्रुप्स सो थ्री कार्बोनाइल ग्रुप्स को साथ पहले अटैच करवा लें ठीक है और ये सिक्स एटम्स uh, का एक रिंग बन गया है दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन इज मैंशन हेयर आगे है आपके पास दो दो हाइड्रोजन सो बेटा वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन सो वी आर लेफ्ट विदेंड वन दिस इज एज दिस इज एज एंड दिस इज एज तो ये जो मॉलिक्यूल आपके पास बन गया है दैट इज ट्राइमर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अगर इसका नेम हम हमसे पूछा जाए तो वी कैन नेम दैट मॉलिक्यूल इज मैटा फॉर मेल डी हाइट बिकॉज दैट इज इट्स कॉमन नेम फॉर एल डी हाइट तो बेटा इफ आई विल यूज सी एच थ्री एंड एज ओवर हेयर यानी कि अगर मैं एथनल यूज करूंगा सो सेम प्रोसेस होएगा बट वी जस्ट हैव टू रिप्लेस दिस एज विथ सी एच थ्री तो बेटा यहां पे भी ये जो एच होएगा दैट विल कन्वर्ट इंटू सी एच थ्री दैट विल कन्वर्ट इंटू सी एच थ्री एंड कन्वर्ट इंटू सी एच थ्री बेटा इन दिस वे विल विल गेट दिस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का नेम होएगा पैरा एल डी हाइट ऑल राइट सो दैट इज ने पैरा एल डी हाइट यानी कि प्रोसेस सेम है रिमेंबर दिस थिंग एल डी हाइट की पॉलीमराइजेशन होती है कीटॉन्स की पॉलीमराइजेशन नहीं होती कीटॉन्स विल नॉट गिव यू द पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट कीटॉन्स विल नॉट शो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस दिस इज द की पॉइंट एल डी हाइड्स ये रिएक्शन शो करेंगे बट किटॉन्स विल नॉट गिव यू दिस रिएक्शन अमोनियम डेरिवेटिव के साथ ओल एल डी हाइड्स कैन शो दिस रिएक्शन एज वेल एज कीटॉन्स कीटॉन्स और एल डी हाइड्स दोनों ये रिएक्शन शो करेंगे इन पॉलिमराइजेशन ओनली एल डी हाइड्स विल शो पॉलिमराइजेशन प्रोसेस किटॉन्स विल नॉट गिव यू द पॉलिमराइजेशन प्रोडक्ट ऑल राइट एल्कोहल्स की तरफ मूव करते हैं दैट विल गिव यू एसिटल्स बेटा यू हैव मैथनल तो मैथनल के साथ अटैच करवाएंगे सो इट विल फॉर्म द एसिटल एसिटल में क्या होएगा? दैट इज द ग्रुप जो के ईथर ग्रुप होएगा, ओ सी टू एच फाइव

सो बेटा यहां पे भी मैथनल बनेगा इफ यू आर यूजिंग एथेनल सो इट विल गिव यू द दथेनल प्रोडक्ट ठीक है इसके लिए भी याद रखें बेटा ड्राई एथसीयल कंडीशन में यूज करना होता है एंड कीटोन्स विल नॉट गिव यू द एसिटल प्रोडक्ट विल नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द एल्कोहल मॉलिक्यूल्स और एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एसिटल नहीं बनाएंगी अंडर दीज कंडीशन सो दिस इज द यू हैव टू रिमेंबर सो so, यहाँ पे एक क्वेश्चन में लिखना चाह रहा था कि अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा ली जाए एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सी एच थ्री सी एच ओ सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव विल गिव यू बेटा वही प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में रिएजेंट यूज किया था इट मीन जो भी एसिटल होगा आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिस इट विल गिव यू द सेम रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग सी एच थ्री सी एंड एच इट मीन स्टार्टिंग रिएजेंट क्या था मेरा दैट वॉज दैट वॉज एथेनल ठीक है सो नाउ हैव अ लुक ऑन दिस साइड दैट इज शोइंग यू के हमने यूज किया एथनोल सो so, बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या होंगे दैट इज सी एच थ्री सी एच ओ प्लस सी टू एच फाइव ओ एच सो इट मीन जो रिएजेंट्स आपने इनिशियली यूज किए यू कैन गेट डोज रियजेंट अगेन आफ्टर दाइड्रोलिस ऑफ एसिटल्स ठीक है जी बेटा एल डी हाइड्स रिएक्शन शो करेंगे अंडर दीज कंडीशन लेकिन कीटोन विल नॉट गिव यू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एसिटल्स फॉर्म नहीं करेंगे कीटोन्स ये भी पॉइंट आपने याद रखना है सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच कंडीशन

एंड रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन सो बेटा वी आर यूजिंग प्रोसेस जिसमें हमने कैटेलिस्ट बताना है और कंडीशन बतानी है लेकिन यह रिडक्शन हो रही है तो किसकी रिडक्शन होती है ये कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन के लिए यूज किया जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन मीन एल डी हाइड्स और किटोन्स की रिडक्शन से वी कैन गेट दी एल्किरेक्टली ठीक है डायरेक्ट एल्के दे देते हैं सो लेट मी यूज दैट पर्टिकुलर रिएक्शन ओवर हियर। सो इफ आई विल हैव एच सी एच थ्री सी ओ एच दिस इज एथेनल इसकी रिडक्शन की जाए वी हैव टू यूज हाइड्रोजन एटम्स वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन होती है बेटा इसमें बेसिक मीडियम यूज किया जाता है हाइड्राजीन को यूज किया जाएगा एन टू एच फोर इन द बेसिक मीडियम अलोंग विद द हीट और हीट भी किया जाता है अराउंड 150 से 250 डिग्री सेल्सियस तक इट कुड बी टू हंड्रेड वन नाइनटी सो ये टेम्परेचर रेंज यूज करनी होती है हीट आपको प्रोवाइड करनी होती है और ये जो मॉलिक्यूल होगा दैट इज एथनल इट विल गिव यू एल्केन सिमिलर कार्बन वाला एल्केन आपके पास आ जाएगा सो इट मीन्स विल गेट इथेन ओवर हेयर सी एच थ्री सी एच थ्री सो बेटा अगर क्लेमेंसन रिडक्शन हो क्लेमसन रिडक्शन इज मॉर फेवरेबल फॉर कीटॉन्स अगर कीटॉन्स हैं आपके पास सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सो बेटा इसकी रिडक्शन के लिए वी वी जस्ट हैव टू यूज द सेम थिंग लेकिन कैटल चेंज हो जाएगा प्रोसेस वुड रिमेन सेम और वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन के अलावा दैट इज क्लेमसन

ऑल वी डिस्कस दैट टाइप ऑफ रिएक्शन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था एल्डिहाइड्स और कीटोन की सेकेंड वीडियो में वी डिस्कस दैट थिंग कि अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइट सोडियम बोरोहाइड्राइट तो बेटा ये आपको इफ वी आर यूजिंग कीटोन तो इट विल गिव यू सेकेंड अल्कोहल ठीक है

कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट जो कि यहां पर कीटोन को रिड्यूस कर रहा है एंड वी आर गेटिंग सेकेंडरी एल्कोहल्स दिस इज कीटोन कीटोन विल गिव एस सेकेंडरी एल्कोहल्स एलडीहाइड्स विल गिव अस प्राइमरी एल्कोहल्स और सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगा ठीक है इफ आई एम यूजिंग मैथनल मैथनल की रिडक्शन करेंगे इट विल गिव अस मीथेन ठीक है बाय यूजिंग एन ए बी एच फोर उससे मिलेगा मैथनॉल और मैथनॉल की रिडक्शन से वी कैन गेट मीथेन ऑलराइट, ये है रिडक्शन का कॉन्सेप्ट और रिडक्शन इसके अलावा भी की जा सकती है बाई यूजिंग निकल कैटेस प्लाटीनियम प्लाडियम जो कि हाइड्रोजनेशियन कहलाती है वहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाते हैं निकल प्लाटीनियम और प्लाडियम कैटलिस्ट यूज़ किया जा सकता है सो बेटा सेम प्रोसेस आपको रिडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो उसको सो दिस इज़ समट लाइक रिडक्शन प्रोसेस रिडक्शन के अलावा बेटा होती है ऑक्सीडेशन ऑल दो हमने ऑक्सीडेशनस को भी डिस्कस किया था एक मुकम्मल चेन मैकेनिज्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि इफ वी हैव एल्केन्स एल्केन्स की ऑक्सीडेशन विल गिव यू अल्कोहल्स अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड बट नाउ देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस आई टोल्ड यू कि कीटोन्स विल नॉट गिव यू द ऑक्सीडेशन ठीक है कीटोन्स ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करते हैं एल डी हाइड्स कैन गिव यू दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करते हुए वी कैन गेट कार्बोजैलिक एसिड फ्रॉम एल डी हाइड्स दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की अगर बात करें तो ये टॉलेंस रिएजेंट जो है दैट इज वन ऑफ द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेलिंग सोल्यूशन इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट

टू सीआर टू ओ सेवन के एम एन ओ फोर एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हो दिज बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एम एन ओ फोर पोटासियम मैंगनेट इन एसिडिक मीडियम ऑल राइट सो बेटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा द मॉलिक्यूल विल गोइंग टू ब्रेक नाउ ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा फ्रॉम दिस साइड एंड इट विल गिव यू टू कार्बोजेलिक एसेड्स

कार्बोनिल ग्रुप के इस साइड पे वी हैव ओनली वन कार्बन ऑन दिस साइड वी हैव टू कार्बन सो दिस टाइप ऑफ कीटोन इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल कीटोन सो अनसिमेट्रिकल कीटोनस अगर होंगे सो बेटा आपने कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाले एडजसेंट कार्बंस को देखना है उनमें से जो कार्बन दैट कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेटा वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोजेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बोनाइल ग्रुप दूसरी साइड पे चला जाएगा एज आई दिस मॉलिक्यूल सो यही प्रोसेस आपने यूज करना होता है इफ यू आर गिवन विथ कीटोन सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू बेटा प्रोपर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज विल गिव यू विच प्रोडक्ट्स under these conditions, by using strong oxidizing agent, ketones oxidative cleavage will happen. so it will give you the products. products aapne batane hain comment box mein और उसके बाद फिर मैं अपना answer बताऊंगा कि क्या इसका actual answer होएगा वो भी comment box में pin कर दिया जाएगा. so this is what you have to answer first. ठीक है? propanone की oxidative cleavage क्या results देगी आपको? द प्रेजेंस ऑफ के एम एन ओ फॉर इन द एसिडिक मीडियम ऑल राइट सो बेटा दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड स्पेसिफिकली ऑक्सीडेटिव क्लिविच सो नाउ मूविंग टुअर्ड्स द टेस्ट जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं ये टॉलेंस टेस्ट में जो रिएजेंट यूज किया जाता है दैट इज नॉन एज टॉलेंस रिएजेंट दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो फेलिंग सोल्यूशन है दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो बेनेटिक सोल्यूशन होता है दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो वट वी हैव टू डू टॉलेंस टॉलेंस टेस्ट में विच वन एज टॉलेंस रिएजेंट दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट तो बेटा अमोनिकल किसको कहा जाता है अमोनिकल मीनस अमोनिया और वाटर का मिक्सचर ठीक है जब ये कंबाइन होते हैं अमोनिया में वाटर की एडिशन की जाती है दैट विल गिव यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज नॉन एज अमोनिकल ठीक है अमोनिकल लिक्विड भी इसको कहा जाता है अमोनिया में वाटर की एडिशन जब की जाती है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है नाउ वी हैव एजी एन ओ थ्री प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सो इन सिंपल वर्ड्स के ये जो आपके पास रिएजेंट्स का यहाँ पे सॉल्यूशन नजर आ रहा है दैट इज टॉलेंस रिएजेंट ये एक्टिव तो नहीं होता लेकिन ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं एक एक्टिवेटेड रिएक्टेंट बना देते हैं जो कि होएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमने डिस्कशन की होती है सो uh, so ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा दैट इज सिल्वर एन 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 एच थ्री ट्वाइस बेटा दिस वन इज कॉम्प्लेक्स के टाइम सिल्वर एन एच थ्री एन एच थ्री इज लाइजेंट जो लाइगेंट यहां पर यूज किया है एन एच थ्री अमोनिया इज अल लाइगेंट इट इज अटैच विद्वर फ्रॉम बहुत साइड और ये कॉर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर कर रहा है इसका कॉर्डिनेशन नंबर टू होगा

बेटा एल के साथ कौन रिएक्ट करेगा टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट करेगा टॉलेंस रिएजेंट जैसे ही रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सिल्वर मेटल सिल्वर मेटल डिपॉजिट होने लग जाएगी बेटा यहां पे ऑब्जर्व करो एजी के ऊपर चार्ज क्या था एजी वॉज हैविंग पॉजिटिव वन चार्ज बट ऑन दिस साइड सिल्वर इज जीरो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इज कॉल्ड रिडक्शन सो ऑक्सीडेशन पे हुई है दिस एल डी हाइड इज ऑक्सीडाइज एंड दिस सिल्वर इज रिड्यूस्ड ठीक है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों यहां पर हो रही है सो दिडक्स रिएक्शन सो बेटा रिडक्शन हो रही है और सिल्वर मेटल की फॉर्मेशन हो रही है जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिस भी बीकर के अंदर सिल्वर प्रोड्यूस होगा उसकी सरफेस की जो साइड होगी बेटा वहां पर सिल्वर मेटल डिपॉजिट होने लग जाएगा दैट विल शो द रिफ्लेक्शन मिरर लाइक रिफ्लेक्शन तो इज नॉन एज सिल्वर मिरर रिएक्शन और इस टेस्ट को हम कहते हैं जैसे ही सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होने लग जाएगी सिल्वर की फॉर्मेशन होने लग जाएगी मिरर लाइक रिफ्लेक्शन होने लग जाएगी सो इट मीन हमारे पास रिएजेंट जो था वो एल डी हाइट था ओनली एल डी हाइट विल शो दिस रिएक्शन ठीक है ऑक्सीडेशन एल डी हाइट की विल गिव यू दर्बोजालिक या उसका salt. करते ओनली एल डी हाइड्स विल गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग की पॉइंट आपको बताऊंगा उसी को याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है एल डी हाइड्स कीटोन या कार्बोजेलिक uh, एसिड्स में से कौन ये रिएक्शन शो करते हैं तो ये स्टेटमेंट इज हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अली फेल्स डाउन एंड ब्लीड्स अली मींस एल्डिहाइड फेल्स डाउन फेलिंग सॉल्यूशन एंड ब्लीड ब्लीड यानी कि रेड कलर ठीक है जैसे ही एल्डिहाइड्स को फेलिंग सोल्यूशन में एड करोगे दिस इज एल्डिहाइड दिस इज फेलिंग सोल्यूशन एल डी हाइड को फेलिंग सोल्यूशन में जैसे ही एड करेंगे अली फेल्स डाउन एंड ब्लीड इट विल गिव यू द रेड प्रेसिपिटेट दिस इज कॉल्ड क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा और अगर रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है तो इट मीनस वी वी हैड एल डी हाइड ऑन द रियक्टेड साइड अगर रेड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती तो एल्डिहाइड्स आर एबसेंट ठीक है ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो सकता है एल्डिहाइड्स और हाइड्स को किस तरह से टेस्ट कर सकते हो बेटा टॉलेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट बोथ कैन रिएक्शन बोथ टेस्ट आर पॉजिटिव फॉर एल्डिहाइड्स बट नेगेटिव फॉर कीटोन यहां पर अगर ऑब्जर्व करो तो वी यूज कॉपर टू पॉजिटिव बेटा कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर वन पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है दिस इज कॉपर वन ऑक्साइड दैट इज ऑल्सो नोन एज क्यूप्रस ऑक्साइड ए लेवल्स में टर्म यूज होती है कॉपर वन ऑक्साइड की एफ एस में यूज होएगी क्यूप्रस ऑक्साइड की होगी मतलब होता है स्मॉलर वैलेंसी एक का मतलब होता है बिगर वैलेंसी सो बेटा दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड कॉपर से क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस टू से प्लस वन में कन्वर्जन हुई है सो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस

पोटासम मैंगनेट इन एसिडिक मीडियम सो वी हैव टू यूज दीज थिंग्स और तब भी ऑक्सीडेशन नहीं होती बल्कि ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होता है किटॉन का मोलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाता है और प्रोडक्ट्स आपको देता है सो so बेटा फेलिंग सोल्यूशन में क्या यूज किया जाता है कॉपर का सोल्यूशन है एंड वी वी आर यूजिंग टार्टारिक एसिड जो कि इमली में भी यूज होता है नेचुरल सोर्स टार्टारिक एसिड का होता है ठीक है and uh, in the basic medium sodium hydroxide बेटा बेनेडिक सोल्यूशन टेस्ट में भी सेम प्रोसेस होता है सेम रेड प्रेसिपिटेट बनेगा कॉपर टू से कॉपर वन में कन्वर्जन होएगी एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बेनेडिक बेनेडिक सॉल्यूशन टेस्ट इज द सेम टेस्ट एज वी आर है जस्ट फॉर्मेशन में डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे टारिक एसिड है बेनेडे सॉल्यूशन टेस्ट में बैनेडिक सॉल्यूशन टेस्ट में दिस टार्टरिक एसिड इज रिप्लेस सिट्रिक एसिड लेकिन एसिड और ये बेस दोनों रिएक्ट करते हैं कॉपर टू पॉजिटिव प्लस सिट्रिक एसिड प्लस एन ए ओ एच प्लस एल्डिहाइड एल्डिहाइड और ये रेड प्रेसिपिटेट दे देंगे जस्ट लाइक फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट सो बेटा क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरह से पूछ सकता है विच रिएक्शन विच टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर बोथ एल एंड किटोन टॉलेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट बेनेटिक सोल्यूशन टेस्ट और टू फॉर डाय नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट सो बेटा द आंसर इज टू फॉर डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन जो कि दोनों देते हैं दोनों ये पॉजिटिव रिएक्शन शो करेंगे ऑल राइट right? और इन दिस वे वी कम्पलीटेड दिस टॉपिक एल डी हाइड्स और कीटोन्स इफ़ यू हैव फर्दर क्वेरीज और क्वेश्चन रिलेटेड टू एल डी हाइड्स एंड कीटोन्स कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है सो डू लेट एस नो इन द कमेंट बॉक्स होप सो ये क्लासेस आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हैं और इन शाह एम डी कैट की एफ एस सी की ए लेवल्स की बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी होगी इंशाल्लाह दीज वीडियोस विल श्योरली हेल्प यू आउट और एम डी कैट का असल कॉन्सेप्ट किस तरह से आपने क्रैक करना है वही तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे सो स्टेट ट्यून्ड विद आस थैंक यू वेरी मच